जय माता दी। वैष्णो देवी से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब करें डिवोशनल पॉइंट और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। जय माता दी। डिवोशनल पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी माता के भक्तों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे परिवार यानी डिवोशनल पॉइंट पर 50,000 भक्त जुड़ चुके हैं और ये सिर्फ आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही मुमकिन हो पाया है। तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखें, अपना सपोर्ट बनाए रखें। अब बात करते हैं इस वीडियो की। ये वीडियो किस लिए बनाई जा रही है, मैं बताना चाहूंगा। भवन पर जो गुफा है माता की पिंडी की, ये वीडियो उसके लिए बनाई जा रही है, क्योंकि पिंडी की जो गुफा है उसमें दो जो दर्शन करने के लिए दो द्वार हैं, यानी कि जो दो गुफाएं हैं, एक गुफा जो कि प्राकृतिक थी, जो पुरानी गुफा थी, एक गुफा है जो कि अभी नई बनाई गई थी कुछ साल पहले श्राइन बोर्ड द्वारा। तो लोग जो मानते हैं, कुछ लोग भ्रमित करते हैं दूसरे लोगों को और वो बोलते हैं जो पुरानी गुफा है वो तो असली है और जो नई गुफा बनी है उसमें जो पिंडी है वो नकली है। तो आज इसी चीज का हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे और देखेंगे कि क्या असलियत है। मैं गारंटी देता हूं अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी और कभी भी आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खास करके ये जो माता की पिंडी वाली गुफा है इसको लेकर। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको दो फोटो दिखाऊंगा, यानी कि दो आकृतियां दिखाऊंगा जो कि मैंने बनाई है और ये सिर्फ खास आपको समझाने के लिए बनाई गई है। तो उस आकृतियों को ध्यान से देखिएगा, आपको किसी भी तरीके की कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर शेयर करें जिनके माइंड में किसी भी तरीके का भय रहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पुरानी गुफा की, क्या चिन्ह है जिससे आप पहचान पाएंगे ये पुरानी गुफा है। जैसे ही आप दर्शन करने जाएंगे तो आपको दो गुफाएँ मिलेंगी, एक आपके उल्टे हाथ पे, एक आपके सीधे हाथ पे। जो गुफा आपको सीधे हाथ पे मिलेगी यानी कि दाहिने हाथ पे, वो आपकी गुफा होगी पुरानी गुफा। एक इसका चिन्ह और है, पुरानी गुफा यानी कि जो सीधे हाथ पे गुफा है उसी के जिस सीधे हाथ पे आपको मिलेगा चरणामृत। तो चरणामृत जो मिलता है, जो माता के तीन शेर बनाए हुए हैं श्राइन बोर्ड ने, उनके मुंह से चरणामृत मिलता है आपको। तो ये जो शेर आप देख रहे हैं सेम इसी तरीके के शेर हैं, लगभग सेम टू सेम आपको यही शेर देखने को मिलेंगे सीधे हाथ पे जहां से आपको चरणामृत मिलता है। तो वो उसका सबसे बड़ा चिन्ह है, आप समझ पाए और आप जान पाए कि ये जो गुफा है वो पुरानी गुफा है। अब बात करते हैं कुछ इसकी जो विशेषताएं हैं उस गुफा की। गुफा की जो विशेषता वो ये है कि जो गुफा की लंबाई है वो 92 फुट लंबी है और ये जो गुफा है इसमें ज़्यादा घुमाव नहीं है। जो पुरानी गुफा है काफ़ी हद तक सीधी है, इतने ज़्यादा घुमाव नहीं है। अगर मैं बात करूँ पुरानी गुफा की, इसके दो द्वार है, एक एंट्री गेट है, एक एग्जिट गेट है। एंट्री गेट से भक्त जन माता की पिंडी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, वहीं अगर मैं बात करूँ एग्जिट गेट की, उस गेट से भक्त जन जो दर्शन कर चुके हैं वो बाहर आते हैं। अब सबसे पहले कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं, उसके बारे में हम नई गुफा का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि क्या है खासियत नई गुफा की और क्यों बनाई गई थी वो नई गुफा श्राइन बोर्ड द्वारा। मैंने एक सीधे हाथ पे एक टेबल बना रखी है, आप देख सकते होंगे मैंने यहाँ पे 5 सालों का आंकड़ा आपको दिखाया हुआ है, 2014 से लेकर 2018 तक। अगर मैं बात करूँ 2014 की, तो 78 लाख यहाँ पे यात्री दर्शन कर पाए थे 2014 में, वहीं 2015 में 77 लाख, 2016 में भी सेम था 77 लाख लोग दर्शन कर पाए थे। वहीं बात करूँ 2017 की, ये बढ़कर 81 लाख हो गया था और 2018 में बढ़कर 85 लाख हो गया था। अगर मैं बात करूं 2019 के, अभी 2019 के आंकड़े आने बाकी है क्योंकि अभी साल भी रहता है, तो इस साल का जो आंकड़ा है वो ये लगाया जा रहा है कि लगभग 90 लाख ये यात्री क्रॉस कर जाएंगे। अगर आप इसका विश्लेषण करें और अगर आप इसका एक एवरेज निकालें तो लगभग 5 से 5.5 लाख लोग प्रति महीना यानी कि प्रति माह जो है दर्शन करते हैं माता वैष्णो देवी की गुफा से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक दिन में कितने लोग दर्शन करते होंगे और कितना मुश्किल हो जाता होगा गुफा में दर्शन करना, क्योंकि दो टाइम तो माता की आरती होती है जिसमें कि गुफा लगभग 3.5 से 4 घंटे एक टाइम में ही बंद रहती है। तो अगर आप मान के चलें पूरे दिन में गुफा लगभग लगभग 8 घंटे बंद रहती है, तो आप सोच सकते हैं 24 में से अगर आप 8 घंटे निकाल दें तो आप देख सकते हैं कितने कम घंटे बचते हैं। उतने घंटे में इतने लोगों को दर्शन कराना कितनी बड़ी चैलेंज है, कितनी बड़ी बात है श्राइन बोर्ड की। अब हम विश्लेषण करते हैं जो नई गुफा है उसका। नई गुफा जो है जब आप दर्शन करने जाते हैं तो आपके बाएं हाथ पर पड़ती है यानी कि लेफ्ट हैंड पर पड़ती है। साथ ही साथ इसका एक और चिन्ह है जहाँ पे आप पहचान सके कि ये जो गुफा है ये नई गुफा है, प्राकृतिक गुफा नहीं है। इसका विश्लेषण ये है, जैसे आप गुफा के छोर पर पहुंचेंगे यानी कि जो एंट्री गेट है उस पर पहुंचेंगे तो आपके बाएं हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड पर ही एक माता की आकृति रखी हुई मिलेगी। सेम आकृति मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है इस फोटो में, उल्टे हाथ पर जो आप देख रहे हैं ये वही माता की आकृति है जो आपकी वहाँ पे रखी हुई मिलेगी। वहीं अगर मैं बात करूँ गुफा की लंबाई की, गुफा की लंबाई है 98 फीट जो कि लगभग
लगभग 6 से 7 फीट ज्यादा है पुरानी गुफा। अब सबसे खास बात ये आती है कि आपको समझना जरूरी है क्या कुछ है ये गुफा और कैसे दोनों गुफा एक जगह जाकर मिल जाती है, जिससे कि आप दर्शन कर पाते हैं माता की ओरिजिनल पिंडी की, असली पिंडी की। सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाहूंगा, जो कि बहुत जरूरी है आप लोगों को समझना और अपने दिमाग से ये चीज निकाल देनी है कि वहां पर कोई फेक पिंडी है या फिर फेक गुफा है। पहली बात तो ये जो गुफा है ये सिर्फ गुफा आर्टिफिशियल है, पिंडी आर्टिफिशियल नहीं है। ओके, ये चीज़ आपको ज़रूर समझनी है। अगर आपसे कोई ऐसा बोलता है, इस चीज़ को आपको नकार देना है कि ऐसी कोई भी वहाँ पे काल्पनिक पिंडी नहीं बनाई गई है, आर्टिफिशियल पिंडी नहीं बनाई गई है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे दोनों गुफाएं काम करती हैं साथ में या फिर एक जगह जाके मिल जाती है, जिससे कि आपको दर्शन हो पाते हैं माता रानी के वहाँ पे पिंडी के। तो आइए देखिए समझते हैं। अभी देखिए ये है पुरानी गुफा जो आप सामने देख पा रहे हैं। आपके सीधे हाथ पे है पुरानी गुफा, आपके उल्टे हाथ पर है नई गुफा। जैसे भी आप मान लीजिए, अगर आपने नई गुफा से दर्शन करने गए, एक बंदा नई गुफा से दर्शन करने गया यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर पहुंच गया यहाँ पर, एक बंदा गया यहाँ पे पुरानी गुफा से दर्शन करने, वो पहुंच गया यहाँ पर, वो एक पॉइंट पर आकर दोनों गुफा मिलती हैं। वो पॉइंट कौन सा है? वो माता की पिंडी जहाँ पर रखी है वो पॉइंट है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, मान लीजिए एक बंदा यहाँ से दर्शन करने गया, एक बंदा यहाँ से दर्शन करने गया, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर माता की पिंडी रखी हुई है और दोनों गुफाएं वहां जाकर मिल जाती हैं। कभी भी आप गौर कीजिएगा, जहां पर माता की पिंडी रखी है वहां पर दो पंडित जी बैठे होते हैं, जो कि एक इस गुफा के लोगों को दर्शन करा रहे होते हैं, यानी कि नई गुफा के लोगों को दर्शन करा रहे होते हैं, एक पंडित जी पुरानी गुफा के लोगों को दर्शन करा रहे होते हैं। ये तो ही पहली बात। दूसरी बात यह, ये हो सकता है जब आप दर्शन करने जाएं तो ये पुरानी गुफा बंद कर रखी हो या फिर इससे दर्शन नहीं हो रहे हो। वो उसी केस में होता है, क्योंकि मान लीजिए जो लोगों की जनसंख्या है या फिर जो लोगों की संख्या है वो कम है, जो दर्शन करने वाले यात्री आ रहे हैं उनकी संख्या कम है, वो उसी केस में ऐसा होता है कि मान लीजिए अभी कम है तो दोनों गुफा खोलने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो एक गुफा बंद कर देते हैं। बट जब कभी बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में लोग दर्शन करने आते हैं, तब श्राइन बोर्ड उस गुफा को यानी कि दोनों गुफा को खोल देता है। यही इसके पीछे की रचनात्मक कहानी है। अगर मैं बात करूँ तो ये लोग भ्रम फैलाते हैं कि वहाँ पे कोई नकली पिंडी है या फिर ऐसा कुछ है। ये मेरी दावा है, मेरी गारंटी है, मेरा 25 साल का अनुभव है, तभी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ये वीडियो देखने का। मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ अब आपके मन में कोई संदेह नहीं रहा होगा और आप बाकी लोगों को भी इसके लिए जागरूक कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे धर्म को लेकर। क्योंकि देखिए, कोई भी हमारे धर्म के लिए ऐसे अफवाह नहीं उड़ा सकता और ये बहुत ही गलत चीज़ है। ऐसे ही आप कुछ भी कल्पना करके आप कुछ भी मनगढ़ंत कहानी नहीं बना सकते हमारे धर्म को लेकर, ये बहुत ही गलत बात है। ये हमारे सबका धर्म है, ये हमारे सबका कर्तव्य है कि हम लोगों को जागरूक करें सही चीज़ के लिए, ये हमारा कर्तव्य है। इस वीडियो को बनाकर और आप लोगों से जानकारी साझा कर मैंने अपना कर्तव्य कर दिया है पूरा। आगे आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी माता के भक्तों तक पहुँचाएँ, तो ये जो भ्रम है सभी लोगों के दिमाग से निकल जाए, जो शंकाएँ हैं वो दिमाग से निकल जाए और सभी भारी तादाद में माता के दरबार पहुँचें और दर्शन करें, सच्चे मन से दर्शन करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई ताज़ा जानकारी के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय माता दी।